हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैकर गौतम। सबसे पहले एक गुड न्यूज़ देता हूँ सब लोगों को। एक्चुअली केदारनाथ फाइनली जा रहा हूँ और आज है 15 अक्टूबर और हम लोग जा रहे हैं 18 अक्टूबर, 3 दिन बाद जा रहे हैं। आज है सैटरडे और हम लोग आज है 15 अक्टूबर, 16, 17, 18, शायद 18 या 19 जाऊँगा, मंगलवार को जाऊँगा। आज है शनिवार। सो केदारनाथ फाइनल हो गया और बाइक से ही जा रहा हूँ तो राइड एकदम बहुत ही स्मूथ होगा। मैं और सूर्यदेव जा रहा हूँ, मेरे साथ पिलियन लेके जाएगा वो, हम दोनों ही जा रहा हूँ। मेरा बाइक लेके जाऊँगा, ये है मेरा बाइक पीछे। सो आज मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ, अभी कुछ काम है बाइक का। एक पीछे यहाँ पे टॉप ब्रेक लगाना है क्योंकि लगेज पीछे बांधने के लिए टॉप ब्रेक लगाना है। गुवाहाटी में पूछा था, दो जगह में अवेलेबल है, देखता हूँ जाके मिलेगा कि नहीं। कुछ दिन पहले ही पूछा था, सो अवेलेबल था बोल रहा था, तो आज जा रहे हैं, देखते हैं जाके अवेलेबल होगा तो लग, और अवेलेबल होगा नहीं होगा, जहाँ पे मिलेगा वही पे लगाऊंगा, जो मिलेगा वही लगाऊंगा, क्योंकि लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लगेज कैसे लेके जाऊंगा। इतना 10-12 दिन का ट्रिप है, मंगलवार को जाऊंगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना लाइव अपडेट्स वगैरह पाने के लिए। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे स्क्रीन में भी शायद आ रहा है गौतम डॉट ब्लॉग्स, तो आप लोग जोर से मुझे फॉलो कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए। सो अभी गुवाहाटी चलते हैं और सूर्योदय भी आ रहा है घर से, मैं भी यहाँ पे हूँ, तो मैं अभी दुकान में जाऊँगा। दुकान में जाके हेलमेट वगैरह लेना है, गोप्रो लेना है, उसके बाद आप लोगों से मिलूँगा। तो मिलते हैं आप लोगों से मोटो ब्लॉग पे, बाय बाय। और ये रहा मेरा बाइक और यहाँ पे लगेगा अभी टॉप ब्रेक लगेगा और बाइक का भी बहुत सारा कुछ काम है, मोबिल वगैरह चेंज करना है, उसके बाद चेंज पकड़ चेंज करना है। चेंज पकड़ एकदम टकला हो चुका है, सिक्किम राइड के बाद चेंज नहीं किया था, सो ये भी चेंज करना पड़ेगा। और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे एक ये ऑयल सील लीक कर रहा है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा मोटो ब्लॉग में मिलेंगे। ओके, गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं और अभी आगे जाके फ्यूल भरवा लेते हैं। फ्यूल कम है तो यहीं पे भरवा लेते हैं तमोलपुर में। हम लोगों का राइड मंगलवार सुबह स्टार्ट होगा 9-10 बजे, लगभग 10-12 दिन लगेगा टोटल राइड। फर्स्ट हम लोग जाएंगे सिलीगुड़ी तामुलपुर से डायरेक्ट, उसके बाद का आइडिया नहीं है, जहाँ तक पहुँच पाता हूँ दिन में वही तक जाऊँगा और वहीं पे स्टे कर लूँगा कहीं पे होटल वगैरह पे। पेट्रोल भरवा लिया 510 रुपये का, तो मेरा बाइक में गुवाहाटी जाने के लिए 350 रुपये का लगता है, शायद 350-400 रुपये का ही लगता है, 3-4 लीटर का पेट्रोल लगता है। गुवाहाटी आना जाना हो जाता है आराम से। और हम लोग जो बाइक से जा रहे हैं ना, तो मेरा बाइक से ही जा रहे हैं, तो उसमें पेट्रोल शायद 10,000 से 12,000 तक लगेगा तामुलपुर से केदारनाथ, केदारनाथ टू तामुलपुर। एक्चुअली केदारनाथ तो बाइक लेके नहीं जा सकते, सोनप्रयाग बोल के एक जगह है, वही पर फिर जा सकते हैं लास्ट, तो सोनप्रयाग जाएंगे और हो सके तो बद्रीनाथ भी होके आएंगे। और आने के टाइम अगर टाइम मिलता है आने के टाइम अगर, तो ताजमहल भी जाने का प्लान है रिटर्न होने के समय, क्योंकि आगरा होते हुए आना है। सो तो सोचा कि ताजमहल देख के आते एक बार, बहुत दिन हो गया देखा था, 2018 में या 19 में गया था आगरा में। ये जो रोड था ना पहले बहुत ख़राब था, इसी साल में बनाया है ये बढ़िया करके। अरे इधर क्या हो गया, खुदाई चल रहा है क्या बीच सड़कों में?
तो गाइज वेलकम टू गुवाहाटी सिटी, और अभी ट्रैफिक में लग जाना है। सो ये है गुवाहाटी आदाबाड़ी, और मैं अभी जाऊँगा फर्स्ट टाइम मोटोक्रेस भोरलूप में। फर्स्ट टाइम वही जाऊँगा क्योंकि वही पे बोला था कि अवेलेबल है, तो अभी है कि नहीं है वो फ़ोन नहीं किया, मैं सीधा जाके ही पूछूँगा। भोरलूप भी ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर होगा शायद, और आज ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा कम था, इसके चलते बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं, तो वहीं पे जाके मिलता हूं आप लोगों से, ठीक है। A few moments later. तो मोटोक्रेज में सिंगल ड्रॉप ब्रेक नहीं मिला, कुछ दिन पहले बोला था, फोन किया था तो था लेकिन खत्म हो गया। बोला था एक पीस रखने के लिए, बोला कस्टमर आ गया इसके लिए सेल कर दिया है, लेकिन अभी हैवी वाला है, और लेकिन सैडल स्टे के साथ लगाना पड़ेगा, तो वो लेके मुझे इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मेरा सैडल बैग वगैरह कुछ भी नहीं है, इसके लिए मैं वो नहीं लिया। लेकिन सैडल स्टे भी हैवी था, टॉप रैक भी बहुत हैवी था, 3600 बोला लेकिन लिया नहीं। और एक था एकदम पतला वाला, लेकिन वो वेट नहीं झेल पाएगा, टूट जाएगा। सिरक्सदा का हाल होगा, जब नेपाल राइड किया था तब वो हाल मेरा भी होगा कम दम का लगाने से। तो अभी जा रहे गुवाहाटी पे ही, और एक जगह है नट्स एंड बोल्ट्स करके, वो भी फ़ोन किया था, बोला है अच्छा क्वालिटी का है, वही जा रहा हूँ। ऐसे 6 किलोमीटर आधा घंटा लगेगा 6 किलोमीटर जाने के लिए। हमारे गूगल माता जी बोले थे तो उसी को फॉलो करके जाएंगे अभी। One hour later. हम लोगों ने टॉप रैक लगा लिया नट्स एंड बोल्ट्स में 2500 रुपये में, थोड़ा प्राइस ज़्यादा हो गया, क्या करें, नहीं मिल रहा था कहीं पर भी, तो इसके चलते लगा लिया, और अच्छा भी है। आप लोग देखिए क्वालिटी भी अच्छा है, और ऊपर एक प्लेट भी है, तो इससे ऊपर इसके ऊपर टॉप बॉक्स वगैरह भी आराम से लग जाएगा आसानी से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फैंसी बाज़ार, कुछ काम है थोड़ा बहुत, सो वो करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ओके, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस फैंसी बाज़ार से निकल चुके हैं, और अभी जा रहे हैं वापस घर की तरफ। तो गुवाहाटी को बाय बाय करते हुए अभी आगे जाके कुछ फ्रूट्स लेना है, एप्पल लेना है, सेब। सो सेब ले लिया 80 रुपये पर किलो। तो मेरे आगे है अभी सरायघाट ब्रिज, यह से रंगिया है 46, तेजपुर 167, सिलीगुड़ी 465, आ रहे भाई हाजो 27। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, और केदारनाथ का राइड मंगलवार को शुरू होगा सुबह 9-10 बजे। फर्स्ट डे को जाएंगे हम तामुलपुर से डायरेक्ट सिलीगुड़ी। सारा कुछ अपडेट पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे स्क्रीन में भी आ रहा है शायद गौतम डॉट ब्लॉग्स, तो आप लोग ज़रूर से मुझे फॉलो कर लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, राइड सेफ।
बाय बाय गुवाहाटी। कितना बढ़िया सा सनसेट हो रहा है।